बिजली की समस्या जो न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा डाल रहा है। कई क्षेत्रों में बिजली कटौती और अनियमितता ने लोगों की जीवन शैली को प्रभावित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बिजली की कमी ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें बिजली की समस्या से लगभग 5 सालों से गुजरना पड़ा है। हमारे गाँव में नाम मात्र का बिजली था, हमेशा बिजली में कम वोल्टेज और तो और अगर हल्का सा भी हवा बारिश हुई तो थोड़ा जो बिजली आता भी था वो भी कोई काम का नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी ग्रामीणों ने बिजली ऑफिस के चक्कर काट काट के चप्पल तक घिस गया, लेकिन कोई अस्थाई समाधान नहीं निकल पा रहा था। वोट का समय नेता लोग आते थे, मीठी मीठी बातें तो करते थे लेकिन सब आश्वासन देकर चले जाते थे। जब हम सब ग्रामीण इस बिजली की समस्या से थक हार गए, उसी बीच इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए राजद जिला महासचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता मयंक पासवान हमारे रानीगंज प्रखंड के अहमदपुर पाही गांव कुपाड़ी पंचायत वार्ड नंबर 8 एवं 9 में बिजली विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर 5 साल से लंबित कार्य को मात्र 10 दिनों के भीतर कर दिखाया। बिजली विभाग ने इस गांव में अब नया ट्रांसफार्मर, पोल, वायरिंग आदि लगाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे कुपाड़ी पंचायत वासियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। उन सब ने एक पुरानी कहावत को दोहराया है कि देर है पर अंधेर नहीं। इस कार्य के लिए ग्रामीणों ने मयंक पासवान सहित बिजली विभाग को धन्यवाद किया है। आसमान इसमें काफी मेहनत किए हैं और इतना मेहनत किए कि वो लगभग महीना 2 महीना से इस काम में लग गए तो आज वो करके पूरे जैसा को सारा सामान के साथ आके जगह का चयन कर रहे हैं। तो आज खुशी है जनता में, यहाँ के जनता बहुत बहुत खुशी है। जो काम हमारा आज 5 साल से नहीं हुआ वो आज होने को जा रहा है। हाँ, इससे तो बहुत खुश। तो मयंक पासवान पर आशीर्वाद है पूरे जनता का, बुढ़ा से लेके बच्चे लोगों को तक आशीर्वाद है। हाँ, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं। तो क्या इस बार अगर मयंक पासवान अगर विधानसभा लड़ते हैं तो क्या लगता है कि जीत पाएंगे? भरपूर उनको जनता अपने आशीर्वाद देंगे और हर तरह से मदद करेंगे। मतलब टक्कर में कोई नहीं है? टक्कर में है तो यही रहेंगे। चलिए चलिए, यहाँ पे युवाओं का क्रेज देख सकते हैं कि धूप में मयंक पासवान के लिए किस तरीके से आए हुए हैं। यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है क्योंकि जो काम फंसा हुआ था काफ़ी लम्हों से, काफ़ी दिनों से, आज जनता में खुशी की लहर है। तो वादा किया था उस वादे पर खड़ा उतरे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार राम। अच्छा, यहाँ पाही अहमदपुर में बिजली की समस्या थी बहुत, 5 सालों से समस्या था, समझे ना। और यहाँ बहुत सारा नेता लोग कह रहे थे कि हम करेंगे, करवा देंगे, अली लगातार आते थे, हम लोग आवेदन पर आवेदन देते थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता था। लेकिन मयंक पासवान ने अपना मेहनत करके, बहुत लगनशील करके, आंदोलन भी किए इसके लिए करके, और तब ये 10 दिनों के अंदर में हम लोगों को बिजली की समस्या को हल किया। अच्छा, वादा किए थे कि 10 दिनों के अंदर में बिजली की समस्या का समाधान कर देंगे, तो आज कितने दिन हुए हैं? आज 11वां दिन हो रहा है। 11वां दिन आज काम हो गया? हो गया। अच्छा, प्रोफेसर आए हैं चेकिंग के लिए जी। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मानिकलाल ऋषिदेव। यहाँ पे बिजली की समस्या थी, तो इससे पहले कोई नहीं आगे आए थे?